डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुके 5। आज हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। आज का जो प्रश्न है वो CBSE 2010 में आ चुका है। प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशन 4x + 3y = 8 एंड 6x - 4y = -5। ये हमारा दो इक्वेशन है, यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में पेयर इक्वेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये दो पेयर इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें से हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन फोर बाई एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन वन है। 6x - 4y = -5 और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, यानी दोनों का मान निकालना है। तो पहले इसमें से एक को एलिमिनेट करना होगा, या तो एक्स को इलिमिनेट कीजिए या वाई को इलिमिनेट कीजिए। ठीक है, तो इसे दो प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम गुणा करके घटा सकते हैं, जैसे ये 4x है, ये 6x है, ये 3y है प्लस और ये -4y है। तो हम इसमें 4 से और इसमें 3 से गुणा करके वाई को इलिमिनेट कर सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा हो गया कि इस 4x और 6x को हम y की तरह कन्वर्ट कर दे, यानी स्ट्रेट लाइन कर दे और उसके बाद सॉल्व करें। 1x = a मान लीजिए, a मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 3 हो गया। अब चलिए, देयरफॉर 4a + 3y = 8 और 6, ये हो जाएगा 6a - 4y = -5। ये हो गया। अब इसे हम इक्वेशन का रूप देंगे। मान लेते हैं ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कब समझ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन 4 × 4 - 5 × 3, तब ये हो जाएगा 16a + 12y = 32। और यहाँ अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 18a - 12y = -15। साइन नहीं बदलता है,
बारह ट्वेल्व वाई से ट्वेल्व वाई चला गया और ये हो गया थर्टी फोर ए बराबर हो गया पाँच गया सेवन, ये हो गया टू में वन गया वन और ए इज इक्वल टू सेवन बाई थर्टी फोर। देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स इज इक्वल टू सेवेंटीन बाई थर्टी फोर और ये हो गया टू। देयरफॉर ये बराबर हो गया वन बाई टू, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू। अब इस एक्स से हम वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए नाउ पुटिंग दी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन वन में ही रख देते हैं। और सिंस फोर बटा एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एट, देयरफॉर अब एक्स का मान टू है तो फोर बाई टू प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एट। अब ये देखिए कट जाएगा तो ये हो जाएगा टू, थ्री वाई प्लस ये टू बच गया इज इक्वल टू एट हो गया और थ्री वाई बराबर हो गया एट माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स हो गया और वाई इज इक्वल टू हो गया सिक्स बाई थ्री। ये इधर ये जो है इधर थ्री मल्टीप्लाइड है तो इधर आएगा तो डिवीजन होगा, तो अब ये थ्री से ये सिक्स कट गया तो दो हो गया। देयरफॉर यहाँ लिखिए दिस टेंस टू दिस टेंस टू दिस टेंस टू, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू टू। अब वाई का मान हमारा ये हो गया, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एज पर गिवन इक्वेशन इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू टू। हमारा आंसर हो गया होगा। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे मैथ को। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके अवश्य बताएंगे और जहां आपको दिक्कत हो रही है उसे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो आज के वीडियो में यहीं पर, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।